नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। सरकार नशे में है, अब ये पता नहीं बोतल के नशे में है कि सत्ता के नशे में है, पर सरकार नशे में है। क्यों? साल हो गया। नशा हम उतार देंगे ना, अब 22 आ रहा है ना, उत्तर प्रदेश आ रहा है ना, अब नशा उतार देंगे ना इनको, पानी मार मार के और खट्टा मीठा खिला के जब गांव में जाएंगे तो इनका हम वो हिसाब करेंगे, इनका नशा सब उतार देंगे। जब तक सरकार घुटने नहीं टेकेगी, जब तक सरकार हमारी मांगों को नहीं मानेगी, जब तक सरकार किसानों को, मजदूरों को उनका इंसाफ नहीं देगी, उनका हक नहीं देगी, जब तक किसान मजदूर यहाँ पर जो है इस तरह से रोडों को ब्लॉक करते रहेंगे, समय समय पर तरह तरह से जो है प्रदर्शन करते रहेंगे। सरकार तो सुनेगी, और सरकार नहीं सुनेगी, सरकार के बाप भी सुनेंगे इसको। यहाँ सड़क से किसान जो है रास्ता दे रहे हैं कि यहाँ आगे तक जाए हॉस्पिटल तक, और किसान जो है यहाँ पर लगातार जो है भारी संख्या में बैठे हुए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ MX, मैं आपके साथ राशिद इस वक्त गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद है, और आपको दिखा दें कि यहाँ जो है किसान जो है जो गाजीपुर पर प्रदर्शन कर रहे थे, यहाँ सड़कों को जाम कर रखे हैं। ये सड़क जो है दिल्ली और यूपी को जोड़ती है, और यहाँ जो तमाम किसान पहुँचे हुए हैं, और आपको दिखा दें यहाँ जो है मंच भी बनाया हुआ है किसानों ने, जहाँ पे अनाउंस हो रहा है। अभी हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर, किस तरह से देख रहे हैं, कितना आप लोगों ने सरकार पे दबाव डाला ये आंदोलन करके? भाई मतलब, सरकार दबाव मानती है तो हम मान ले, नहीं जब सरकार को सुविधा लगे तब मान ले। ये किसान तो कानून वापस करवा के जाएगा यहाँ से। सरकार समझ अब ली है तो अच्छा है, सरकार नशे में है, अब ये पता नहीं बोतल के नशे में है कि सत्ता के नशे में है, पर सरकार नशे में है। क्यों? साल हो गया। नशा हम उतार देंगे ना, अब 22 आ रहा है ना, उत्तर प्रदेश आ रहा है ना, अब नशा उतार देंगे ना इनको, पानी मार मार के और खट्टा मीठा खिला के जब गांव में जाएंगे तो इनका हम वो हिसाब करेंगे, इनका नशा सब उतार देंगे, और इन्हें याद आ जाएगा कि किसान की हमने जो कानून दी थी वो काली थी, सारा सामान काला है, ये पूछते काला क्या है, इन्हें खुद पता नहीं कि इसमें सफेद क्या है। आप लोग जो सड़क जाम किया आज भारत बंद, आम लोग बहुत दुविधा हो रही है लोग। भाई किसी को दुविधा नहीं, तुम्हें तो नहीं हुई कोई दिक्कत? तुम्हें दिक्कत नहीं हुई ना, तो बस किसी को दिक्कत नहीं हुई, किसी को दिक्कत नहीं है। तो भाई अगर कहीं दिक्कत हो तो एक गोदी मीडिया को दिक्कत हो सकती है, बाकी किसी को दिक्कत नहीं। दो देश का एक एक आदमी हमारे साथ है, किसान आंदोलन के साथ है, पूरा देश किसानों से की भावनाओं का सम्मान करता है, और ये निरंतर ऐसा ही चलता रहेगा, आगे भी फैसले लिए जाते रहेंगे, लेकिन संयुक्त मोर्चा जिस दिन जो फैसला लेगा, पूरे देश का किसानों का धर्म बनेगा कि वो फैसले का पालन करें, रोडों पर उतरे, जाम लगाए, भारत बंद करें। वो आज भारत बंद का आदेश मिला था, भारत बंद है। अच्छा, क्या देख रहे हैं भारत, एक साल हो गया आप लोग, कितने भारत बंद आपने किया, चक्का जाम किया, कुछ हो रहा फायदा? देखिए, हम अपना मांगे जो पिछले 10 महीने कल जो पूरे हुए हैं उसको लगातार उठाते रहे हैं। ये गूंगी बहरी सरकार जो सुनती नहीं है, जिसके कानों में जू तक नहीं रेंगती हैं वो लोग, ये भारत बंद हमारा 5 तारीख को जो मुजफ्फरनगर में पंचायत हुई थी उसको, उसमें हमारा ये फैसला लिया गया था संयुक्त मोर्चा के द्वारा कि हम 5 तारीख को भारत बंद करेंगे। देखिए, अगर ये सरकार नहीं मानेगी तो इसी तरह से हम इनको चेताते रहेंगे और इनको बताते रहेंगे कि हम जिंदा कौम हैं, मरे हुए नहीं हैं। जो तुमने हमको ऐसे सोच लिया, बॉर्डर पर 10 महीने हमको बैठे बैठे हो गए, और ये लोग बिल्कुल आम लोगों को परेशानी हो रही है ना, आम जनता को। अरे सर, आम जनता बिल्कुल सपोर्ट में है, और सारा भारत बंद है ये हम आपको बताना, और आम जनता हमारे सपोर्ट में खड़ी है, और किसी ने भी आप देख लीजिए, हर वर्ग हर आदमी है ये हम आपको बताना, और आम जनता हमारे सपोर्ट में खड़ी है, और किसी ने भी आप देख लीजिए, हर वर्ग हर आदमी व्यापारी, आप जा कर के देखिए, पूरा भारत बंद है आज, और ये आपको दिखाता है कि सरकार किस तरह से अड़ियल रवैये पर बैठी हुई है। एक साल हो गए आप लोग आंदोलन करते करते, क्या लग रहा है इस भारत बंद करने से सरकार मानेगी? जी बिल्कुल मानेगी, पूरा असर आ रहा है, सरकार को पता चल रहा है कि किस तरह नुकसान हो रही है, आगे भी चलता ही रहेगा इस तरह। अब यूपी में भी कहना चाहेंगे, आंदोलन तो एक साल हो गया आप लोग करते करते, सरकार मानेगी? क्यों नहीं मानेगी? देखिए, सरकार जनता से बड़ी नहीं है, और ये जो यहाँ रोड पे बैठी है ये जनता जनादेश है, और जनता का ही राज चलता है, जनता के बल पे ही सरकार बनती है ना, जनता का ही वोट तो लिया था जो सरकार बनी थी। तो आज जनता, जब पूरे भारत के अंदर आपने देखा कि रोड ब्लॉक कर दिए गए, आप ये देखिए ये हाईवे ब्लॉक है पूरा, तो क्यों नहीं मानेगी सरकार? अरे लोगों को परेशानी हो रही है ना।
आम लोगों को क्या परेशानी हो रही है, आम ही लोग तो बैठे हैं यहाँ, हम कोई नेता थोड़े हैं, हम किसान लोग हैं, हम जनता है, गरीब मजदूर किसान यहाँ बैठा है, उनको जो परेशानी सरकार से हो रही है तो उसको रोकने के लिए हम आज एक दिन रोड जाम कर रहे हैं। ये इसलिए सरकार को संदेश दे रहे हैं कि अगर सरकार होश में नहीं आती है, सरकार नहीं समझेगी, तो हम इस तरह के हर जगह हर देश में मतलब हर स्टेट के अंदर जो है आज जिस तरह से पूरे भारत को ब्लॉक किया गया, पूरे भारत को बंद किया गया, यह समय समय पे किया जाएगा। जब तक सरकार घुटने नहीं टेकेगी, जब तक सरकार हमारी मांगों को नहीं मानेगी, जब तक सरकार किसानों को मजदूरों को उनका इंसाफ नहीं देगी, उनका हक नहीं देगी, जब तक किसान मजदूर यहाँ पर जो है इस तरह से रोडों को ब्लॉक करते रहेंगे, समय समय पर तरह तरह से जो है प्रदर्शन करते रहेंगे। तो यहाँ जो दिखा दें आपको तमाम लोग बैठे हैं, यहाँ कुछ और भी महिलाएं भी हैं, उन लोगों से बातचीत करेंगे। मैम क्या कहना चाहेंगे आप लोग, एक साल से प्रदर्शन कर रहे हैं, आज भारत बंद है, क्या कहना चाहेंगे? मैं एक साल से आप देख रहे हो कर रहे हैं, और किसान जो है अपनी बात पर अड़े रहेंगे, वो पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि वो भीख नहीं मांग रहे, वो अपना अधिकार मांग रहे हैं। और ये अडानी अंबानी को फायदा पहुंचाया है, और आम लोगों को दिक्कत हो रही है मैम, जो जाने वाले हैं दिल्ली, जाने वालों को दिक्कत, जाने की तो दिक्कत हो रही, अगर किसान भाई का हक छीन लेंगे तो खाने की दिक्कत हो जाएगी, और जब खाएंगे नहीं तो जिएंगे कहाँ से भाई, अभी तो जाने की दिक्कत हो रही, फिर खाने की दिक्कत हो जाएगी। आप लोग लगातार बंद कर रही है, सड़कें बंद है, तब भी सरकार तो सुन नहीं रही आप लोग। सड़कें बंद है तो ये सरकार को सोचना चाहिए ना कि भाई जनता को परेशानी इतनी नहीं है जितने किसान को भी है, भाई किसान की तो दर्द समझे, जो किसान कमाती है, जो किसान अन्न पैदा, सरकार को सोचना चाहिए ना कि भाई जनता को परेशानी इतनी नहीं है जितने किसान को भी है, भाई किसान की तो दर्द समझे, जो किसान कमाती है, जो किसान अन्न पैदा करती है जनता के लिए करती है, वो केवल अपने पेट भरने के लिए नहीं करती है। क्या कहना चाहेंगे सर, आप यहाँ पूरे एक साल से बैठे हुए आंदोलन पे, सड़क पे आ गए आप, सरकार तो सुन नहीं रही है, सरकार तो सुनेगी और सरकार नहीं सुनेगी, सरकार के बाप भी सुनेंगे, सरकार के बाप भी सुनेंगे, क्योंकि अब सरकार के सांप की तरह, वो कहावत है ना एक देसी भाषा में कि जब गीदड़ की मौत आती है तो गांव की तरफ भागता है, अब ये सरकार गांव की तरफ भागने लगी क्योंकि कानून गांव वालों के खिलाफ बनाए। इस देश में 85% जो है, ये भारत जो है गांव वालों का देश है, किसानों का देश है, तो सरकार ने जब दिमाग गांव वालों की तरफ लगा लिया तो आप जान लो कि सरकार के दिन आ चुके हैं। इसलिए हम आपको बता दें कि सरकार सुनेगी, थोड़ी सी देर है, 10 महीने हो गए, उत्तर प्रदेश के चुनाव के 10 महीने नहीं रह गए, यहाँ से सरकार जा रही है 2 साल बाद दिल्ली से भी सरकार, उत्तर प्रदेश का चुनाव अगर निकल गया इनके पैर फूल जाएंगे, और फूलने के बाद तुरंत ये 6 महीने में इस्तीफा देकर गुजरात भाग जाएंगे। कितना असर दिख रहा है आप लोग को यहाँ जो बैठी हुई आप सड़कों पे? असर तो इनको दिखना चाहिए ना, जो इनको अभी ममता बैनर के उधर से आए हैं ये धक्का खा के, इन्हें ममता बैनर्जी ने धक्का मार के भगाया है, तो अभी सब जनता भगा रही है ना, बंगाल में जनता ने भगा दिया इनको ठोकर मार के, अब यहाँ की जनता भी भगाएगी, क्योंकि किसानों के साथ जो नाइंसाफी हो रही, जनता कैसे बर्दाश्त करेगी आप बताइए। तमाम जो है यहाँ किसान बैठे हुए सड़कों पे, यहाँ एक बुजुर्ग भी है, उनसे बातचीत हुई, क्या तो क्या कहना चाहेंगे? एक साल तो आप लोग हो गए आंदोलन करते, आज सड़क भी भारत बंद कर दिया, असर होगा? बहुत असर हो रहा है, बहुत असर हो रहा है इसका तो, और कोई वैसे ही मान रहा है आपको असली किसान कहने की सरकार मत को उसके कैसे किसान बनाया कोई वो सर्टिफिकेट बांटे है क्या बांट रहे हो वो उन पे सर्टिफिकेट अच्छा वो कह रहे असली किसान खेतों पे है अच्छा खेतों पे कौन है भाई किसान और यहाँ कौन है यहाँ भी किसान नकली किसान बता रहे आपको किसान सरकार नकली किसान कर रही है आपको हम नकली सरकार बता रहे हम नकली सरकार बता मैं हाँ मांगों को जल्द से जल्द मांगने और अपनी जो तानाशाही जो रवैया इन्होंने सरकार ने अपना रखा है इस रवैये को दूर करें किसान से बातचीत का रास्ता शुरू करें क्योंकि किसान जो है अब वो पीछे हटने वाला नहीं है किसानों ने अपने इरादे स्पष्ट बता दो कि अभी यहाँ पे दिखा रहे किसान जो है बंद कर रखे सड़क लेकिन जो एम्बुलेंस के जाने के लिए रास्ता दिया जा रहा है आपको दिखा जो है जो किसान यहाँ बैठे हुए हैं आंदोलन स्थल पर इसको खाली किया जा रहा है और एम्बुलेंस को जाने के लिए
ये लोग रास्ता दे रहे हैं, आपको दिखा रहे सीधी तशरीफ गाजीपुर बॉर्डर से दिखा रहे हैं, जो उत्तर प्रदेश और दिल्ली का जो है रास्ता जोड़ी जाता है, जो रास्ते यहाँ से दिल्ली की तरफ जाती है, ये एम्बुलेंस को यहाँ सड़क से किसान जो है रास्ता दे रहे हैं कि यहाँ आगे तक जाए हॉस्पिटल तक। और किसान जो है यहाँ पर लगातार जो है भारी संख्या में बैठे हुए हैं एम्बुलेंस को रास्ता दे, क्या कहना चाहेंगे? सारी मानवता के खिलाफ हमारी गाइडलाइंस है, अत्यावश्यक सेवाओं को हम जारी रखेंगे, लेकिन जहाँ भी लगेगा कि मानवता भंग हो रही है तो हम आंदोलन को पीछे कर लेंगे, मानवता को आगे कर लेंगे। कि जितना अच्छे तरीके से परिभाषित है, किसान जवान जो धूपों में तपता है, सर्दियों में जलता है, वो जानता है कि मानवता क्या होती है। एसी में बैठ के नहीं जा सकते, एसी में बैठने वाले पत्थर के लोगों को तो दिक्कत हो रही है सर। दिक्कत देखिए, कुछ पाने के लिए खोना पड़ता है, अगर आप पसीना नहीं बनाओगे तो कैसे कैसे मिलेगा, कैसे अनाज पैदा होगा? अगर आप अपनी कुर्बानी नहीं दोगे तो कैसे आज़ादी मिलेगी? ये तो सदियों से होता आया है। तो कुछ पाने के लिए जिस प्रकार से फर्क कहाँ पड़ रहा है सर? मैं यार जिम्मेदार चैनल फिर कहना चाहता हूँ, आप बताइएगा, यही सरकार कहती थी ये खालिस्तानी है, माओवादी है और पाकिस्तानी प्रो चाइनीज प्रो है। 11 दौर की वार्ता किया, किसने जीता भाई बताइए, आप फैसला आप पे छोड़ता हूँ। इसने कहा कि इसमें काला क्या है, 9-9 संशोधन कर डाला, कौन जीता? किसान जीते। इसने कहा कि 1 इंच पीछे नहीं हटेंगे, 1.5 साल बिल को होल्ड करने प्रयास कर रहे हैं कि 1 से 1.5 साल को बिल होल्ड करेंगे। इन्होंने कहा मावाली है, समानांतर संसद चलाई, पर कौन जीता? हम जीते। जीतेंगे आज नहीं तो कल जीतेंगे, हल निकलेगा आज नहीं तो कल निकलेगा, लेकिन समय लगेगा क्योंकि ठीक है। आखिरी सवाल है, कितना आप लोग कितना भारत बंद जो आह्वान किया, कितना सफल लग रहा आप लोग? बहुत सफल, ये क्रांति चलती हुई अब सुलग रही है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक बढ़ रही है और ये आने वाले दिनों में आप देखेंगे 2 महीने में इसका असर बाद दिखेगा, तुरंत नहीं दिखता। जैसे हम खाते पीते हैं फिर खून बनता है, फिर बाद में खाने के बाद तुरंत असर दिखता नहीं है, इसका असर 1-2 महीने बाद दिखेगा जी। ये वैसा आंदोलन सफल रहा बिल्कुल 101% सफल है जी। देखिए हम भारत बंद का समर्थन कर रहे हैं और कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी जी के आह्वान पे सभी बॉर्डर्स पे हमारे कार्यकर्ता समर्थन देने के लिए पहुंचे हुए हैं। और मैं मानती हूँ कि ये ज़रूरी भी है क्योंकि जिस तरीके से ये तानाशाही सरकार लगातार एक गैप बनाकर बैठी हुई है, कहते हैं कि हम बात करना चाहते हैं पर बातचीत तो कभी करते नहीं हैं, और बार बार जो हमारे कृषि मंत्री हैं तोमर साहब उनको बिठा देते हैं। अभी तोमर साहब के हाथ में तो कुछ है ही नहीं, बात तो प्रधानमंत्री को करनी होगी। 10 महीने हो गए, 300 दिन पार हो गए, इतना बड़ा आंदोलन आज़ाद भारत में पहली बार हो रहा है तो कुछ तो पीड़ा होगी ना किसानों की, तो प्रधानमंत्री क्यों नहीं ऑल पार्टी मीटिंग बुलाते, प्रधानमंत्री क्यों नहीं सारे यूनियन लीडर्स को बुलाते और एक मंच पर बात करते कि क्या है, कैसे होना चाहिए। डेडलॉक वो ख़त्म नहीं करना चाहते, किसान को तो अपने घर वापस जाना है, वो तो चाहता है कि वो समयबद्ध रहकर आगे जाए, किसान चाहता है काले कानून वापस हो ताकि वो अपने खेत खलिहान वापस जा सके। आज 1 साल हो गए हैं पूरे, आज ही के दिन राष्ट्रपति ने साइन किया था, काला दिन है ये, और मैं मानती हूँ कि आज़ाद भारत में ऐसा काला ऐतिहासिक दिन जो है ये शायद ही जो है लोगों को कभी भूलने का इसमें अवसर मिलेगा, क्योंकि 600 से ज़्यादा किसान मर गए इन आंदोलनों को चलाते हुए। धूप हो, बारिश हो, गर्मी हो, सर्दी हो, किस पीड़ा में ये लोग यहाँ पर बैठे हैं इसका अंदाज़ा वो महल में बैठे 7 रेस कोर्स में बैठे प्रधानमंत्री नहीं लगा सकते। प्रधानमंत्री के पास समय है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को विजिट करने का, लेकिन प्रधानमंत्री के पास थोड़ी सी किलोमीटर दूर जो 10 महीने से बैठे हैं किसान, उनसे बात करने का समय नहीं। सरकार की प्राथमिकताओं पर तो सवाल खड़े होंगे। सरकार तो मान नहीं रही ना इन्हें, किसानों पर कांग्रेस के लोग बैठे हैं, तो किसान भी नहीं मानेगा और विपक्षी दल भी नहीं मानेंगे, एक ही चीज़ होगी और वो होंगे काले कानून वापस। अब मीडिया के लोग तो ये कह रहे हैं कि देखिए इनके रिक्शा नहीं तो थकान है ही नहीं, प्रधानमंत्री अमेरिका से इतनी लंबी टूर करके आए फिर चले गए वहाँ पे, प्रधानमंत्री देखिए प्रधानमंत्री इतने बड़े जहाज में जाते हैं, प्रधानमंत्री थकते कैसे पहले तो मैं समझना चाहती हूँ। वो ना वो उस तरीके से गली मोहल्ले में लोगों तक जाकर मिल रहे हैं, जहाज में जाते हैं जहाज से आते हैं, कौन सी थकान। और US ने तो वहाँ पर बैठे सभी लोगों ने बहुत बड़ा उनको उदाहरण दिया कि डेमोक्रेसी इज़ इम्पोर्टेंट। यूनाइटेड स्टेट्स आकर कहते हैं कि इंडिया इज़ ए टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी, और यहाँ आकर डेमोक्रेसी का मुखौटा जो है उतर जाता है उनका, यहाँ पर उन लोगों से बात भी नहीं करते। डेमोक्रेसी का सबसे पहला स्तंभ है डायलॉग, क्या संवाद करते हैं प्रधानमंत्री अपने देश के लोगों के साथ, देश के लोग छोड़ दो अपने मीडिया के लोगों के साथ भी नहीं करते। आप बताइए आखिरी बार आपने कब प्रेस वार्ता उनकी ली हो, उनसे कब सवाल पूछे हो। तो ऐसे प्रधानमंत्री की इस देश को ज़रूरत नहीं है, सत्ता परिवर्तन निश्चित होगा। ऐसे क्या मतलब है, वायलेंस करें, तोड़फोड़ करें, क्या चाहते हो? पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुँचाएं? नहीं वो तो नहीं होता है, वो तो नहीं कर सकते, तो फिर वही कर रहे हैं, आराम से बैठे हैं और जब तक सरकार नहीं चुनेगी आप 24 तक बैठे हैं, हमें आदत पड़ गई है।
लोग भूल चुके थे किसान भी कोई चीज होती है। काम धंधा नहीं फ्री हो क्या, हम बैठे ही रास्ता निकालना नहीं चाह रहे। काम धंधा किसके पास है, जिसके पास था वो तो घर बैठ गए, बेरोजगार हो गए। अब देखिए चर्निंग हो रही है, जो छटनी हो रही है, व्हाइट कलर जॉब थी वो भी ऑफिस वाले भी घर बैठे। लेकिन योगी सरकार ने तो कहा 4.5 लाख रोजगार दिया है हमने। आपको तो नहीं मिला, आप यू मैं उठा क्यों घूम रहे हैं ये रोजगार? 4 लाख में आपका तो नंबर दे दूंगा। काफी समझदार लग रहे हैं आप। 10 महीने से आपको नहीं रोजगार चाहिए था, आप यहाँ किसान आंदोलन बैठे दिलवा दो ना फिर। तो योगी सरकार हमारा रोजगार पोस्टर तो वो लगा ये है। किसान जो खेती है हमारा रोजगार ही है, इस रोजगार पे ही अटैक हो रहा है और रोजगार ही खत्म होने जा रहा है। मैं बोल रहा हूँ 13-14 हजार मरते हैं, किसी ने बात सुनी नहीं? नहीं, आपको नहीं लगता आपके पास कोई रास्ता बचा नहीं है? रास्ता बचा नहीं तभी तो आए यहाँ पे। क्या लगता है यहाँ बैठे साल निकलेगा? 10 महीने से आप बैठे, सरकार भी अपनी जगह काम कर रही है, सरकार को पता सर पड़ नहीं रहा आपके बैठने का। फिर और क्या समाधान है? समाधान आप निकालेंगे ना। हम तो वही में अगर प्रोटेस्ट कर किया जाता है ना पीसफुली, आर्टिकल 19 हमारे संविधान का बोलता है राइट टू प्रोटेस्ट की गारंटी देता है। आप तो नेताओं को पीट रहे हैं ना आप, कहाँ कौन से नेता को पीट दिया? पीटने वाले काम करके पीटे भी जाएंगे भाई। प्रतापगढ़ में पीट दिया अपने एमपी को। किसको पीट दिया? प्रतापगढ़ में भाजपा के एमपी को पीट दिया। जो हमारे किसान पीट रहे हैं आपको दिख रहे हैं? ये 600 मर गए, ये नहीं दिख रहे आपको? किसी के एक के कपड़े पाट दिए, हाथ दिखा दिया तो आपको होगा पीट दिया। अच्छा तो आप ये बताइए, इस तरह से शांतिपूर्ण प्रदर्शन से सरकार सुनेगी आपकी बात? सुनेगी, 24 महीने से आप शांतिपूर्ण 24 महीने सुनेगी, कब सुनेगी सरकार? हमारे पास एक हथियार है, ब्रह्मास्त्र है, वो है वोट। 24 में सुनेगी, उसका यूज करेंगे, इसका टाइम किसको देंगे फिर वोट? जो हमारी बात सुनेगा, जो हमारे फायदे की बात करेगा, किसान खेती की बात करेगा, मजदूर की बात करेगा, गरीब की तो बात करेगा। समर्थन दे रही है किसानों को, तो मायावती को बनाएंगे सीएम इस बार? आपकी राय होगी, मेरी तो है नहीं, हम तो उसी को बनाएं जो हमारी बात सुनेगा। हालांकि हमारा जो समर्थन करेगा, हमारा साथ जो देगा, सारे कर रहे हैं। किया तो इन्होंने भी था, इन्होंने तो ये बोला था 2022 तक दुगनी कर देंगे, लेकिन बाद में देखो क्या हुआ। अगर अब ये आपकी बातों को मान लेती है तो क्या दोबारा बीजेपी की सरकार बनाएंगे फिर? ये लोग मर चुके हैं, फिर आप बोल रहे हो कि दोबारा बनाओगे? धर्म के आधार पर नागरिकता दी जा रही है, 5-5, 4-4 साल की बच्चियों के रेप हो रहे हैं, बेरोजगारी ऑल टाइम हाई है, और आप बोल रहे हो कि दोबारा बना दें? गलती एक बार होती है, बजाओ आप घंटी, बजाओ मंदिर की घंटी, बजाओ जाके आप। तो रोजगार मिलेगा ना, मंदिर तो लाखों मंदिर देश में पहले भी है, तो रोजगार की समस्या पैदा ही नहीं होती, तो मंदिर से रोजगार पैदा होते, मंदिर बनवा दो इस देश में। तो ये तमाम जो है किसान जो है गाजीपुर बॉर्डर पे इकट्ठा हुए हैं, और जो जो मेन सड़क थी उसको बंद कर रखा है। आपको अभी कुछ देर पहले दिखाया हमने कि यहाँ पे जो है एम्बुलेंस का रास्ता दिया गया था किसानों के द्वारा, और तमाम जो किसान जो है यहीं इकट्ठा हुए हैं, और अब देखना होगा कि आंदोलन जो है कितने दिन तक चलता है लगातार, और ये कितना सफल हो रहा है ये देखना होगा। न्यूज MX के लिए मैं राशिद कमाल। सभी अहम खबरों के लिए न्यूज MX को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें।